यार पीछे कैमरा एक साइड तक यार, आगे ना जाए, आगे ना जाए यार कोई बाटे बोल लाई क्या हुआ सर? सर क्या करने आए हैं? हमला किया सुहेल भट्ट ने। अच्छा, और जितने गुल्लू भट्ट हैं हिम्मत है तो आके लड़ो मेरे से। मैं तो आप सर लड़ने जा रहे हैं इस टाइम? लड़ने नहीं जा रहा, मैं पूछने जा रहा हूँ कि एक बुजुर्ग पे हमला करने की क्या जरूरत थी। उम्मीद करता हूँ कि या अल्लाह मेरे साथ इंसाफ हो और इनके साथ वो हो और सारी ये एक मिसाल बने रहती दुनिया तक, क़यामत तक। मैं इनको बख्शने के लिए तैयार नहीं हूँ। या अल्लाह रब्बे अन्नी मौलूबुन फंतसिर, मैं कमजोर हूँ, तू मेरा बदला ले। आमीन। फैन बने, आपने देखा कि सारे दौड़ते आए हैं और मेरी निशानदेही। मैं हालांकि पीछे आराम से बैठा हुआ था, लोगों को मना कर रहा था कि ना अपने बंदे बुलाएं। पीटीआई को मैंने कहा जी कि आप भी बंदे ना बुलाएं। ये हमजा के बंदे थे जिन्होंने सारा काम किया और खास तौर पे मुझे टारगेट करके, ये हमजा शहबाज शरीफ है, उसने करवाया है मुझ पे हमला। और सोची समझी साजिश है, ये घर से लेके आए थे बंदे और ये सारे, और इसमें आईजी शामिल है, इसमें सारी इंतजामिया शामिल है। खुद शहबाज शरीफ का टेलीफोन भी आया था कि पकड़ के तो इनको ये करो, जबरदस्ती इनके साथ करो। तो आज ये देखें, इतनी जिंदगी में ये तो उस दौर में भी नहीं हुआ था, किसी दौर में नहीं हुआ जो इस तरह का इन्होंने। मैं अंदर से बैग और वो सारे कार्डिनेटर भी अंदर पड़ा है, उठा रहे उधर बैठ के मैं बात करता हूँ उधर। वो अंदर पड़ा है, उठा रहे उधर बैठ के मैं बात करता हूँ उधर।